Hello friends, so in the previous video I have told you that we will implement the mechanism and the application which we have which I have discussed and developed in the previous video in another way in this video. So in the last video we have implemented this application and we have used checkboxes for setting the style on the text view. And for handling the events of this checkbox, we have implement a common event handler like this. Okay, यहाँ पे हमने implement करवा दिया था view.onClickListener. फिर तीनों को यहाँ पे register करवाया और एक common method यहाँ पे define कर ली. दूसरा तरीका है, mechanism तो यही रहेगा, मतलब कि जो style set करने का mechanism है वो तो यही रहेगा. लेकिन जो तीसरा मैकेनिज्म हम अभी अप्लाई करने जा रहे हैं वो इस तरह से है कि एक मेथड यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ये अपनी एक्टिविटी है. ठीक है, लेआउट तो वहीं का वहीं है, ये वाला लेआउट है अपना. अब यहाँ पे एक मेथड को डिफाइन करेंगे, पब्लिक वॉइड चेक डेमो ऐसा कुछ नाम रख देंगे, उसमें आर्ग्यूमेंट व्यू का ऑब्जेक्ट. फिर यहाँ पे जो लॉजिक हमने पहले लिखा था उसी टाइप का लॉजिक आएगा, इंटीजर स्टाइल इक्वल टू ज़ीरो, फिर ये सब स्टाइल इफ़ चेकबॉक्स वन डॉट चेकड, टू डॉट चेकड, थ्री डॉट चेकड, ऐसा. ठीक है, लेकिन हम एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का. ठीक है, किसका, क्योंकि लिखनी कंडीशन ये है हमें, तो कंडीशन स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं. मतलब कि स्टाइल इक्वल टू स्टाइल प्लस, या फिर स्टाइल प्लस इक्वल टू सी बी वन डॉट इस चेकड क्वेश्चन मार्क. इफ़ इट रिटर्न्स ट्रू, मतलब कि पहला चेकबॉक्स चेकड है तो हम उसे रिटर्न करेंगे टाइप फेस डॉट बोल्ड की वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल कौन से टाइप का है, यहाँ पे इंटीजर है, तो रिटर्न होगी इसकी वैल्यू जो क्या है, वन. अदरवाइज रिटर्न करेंगे जीरो, मतलब नॉर्मल. ओके, उसी तरह से स्टाइल प्लस इक्वल टू सी बी टू डॉट इस चेकड टाइप फेस डॉट क्या होगा, इटैलिक, या टाइप फेस डॉट नॉर्मल. उसी तरह से यहाँ पे स्टाइल प्लस इक्वल टू सी बी थ्री डॉट इस चेकड क्वेश्चन मार्क टाइप फेस डॉट बोल्ड इटलिक, या फिर डॉट नॉर्मल. यहाँ पे फिर टाइप फेस का वेरिएबल टाइप फेस इक्वल टू टाइप फेस डॉट क्रिएट टाइप फेस डॉट सेरिफ, और दूसरी आर्ग्यूमेंट स्टाइल. इस टाइप फेस को सेट करना है टेक्स्ट व्यू के ऊपर, सेट टाइप फेस टाइप फेस इस तरह से. ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं.
अब ये मेथड डिफाइन किए तो उसको यहाँ पे कॉल भी करना होगा तीनों चेक बॉक्सेस पे, तीनों चेक बॉक्स की ऑन क्लिक में चेक डेमो तीनों में। बॉल्ड अनबॉल्ड इटैलिक अन इटैलिक इटैलिक बॉल्ड अनबॉल्ड इटैलिक बॉल्ड इटैलिक इटैलिक बॉल्ड बॉल्ड इटैलिक। ये क्या हुआ कि प्लस थ्री हुआ तो सिक्स हो गया। तो जैसा कि हमने इसके पहले के वीडियो में भी किया था कि यहाँ पे प्लस नहीं करना है, डायरेक्ट थ्री स्टोर करवाना है। बोल्ड इटैलिक पे वो क्लिक करता है तो केवल थ्री ही स्टोर करवाना है। देखो हमने ये बोल्ड इटैलिक को अनचेक किया तो यहाँ पे हमने इज इक्वल टू लिखा है, इसलिए वैल्यू ज़ीरो उसे असाइन हो गई है। ज़ीरो वैल्यू असाइन हो गई तो क्या हुआ कि जो बोल्ड इटैलिक की असर थी वो भी चली गई। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, देखो प्लस करते हैं तो वो सिक्स हो जाएगा, तो सिक्स या फाइव तो नहीं चलेगा। एक ये कर सकते हैं हम कि इन दोनों को बाद में आइडेंटिफाई कर, पहले हम चेकबॉक्स थ्री की जो वैल्यू है उसे स्टोर कर लें, ओके, फिर इन दोनों को। लेकिन ये दोनों भी प्लस होंगे तो सपोज़ कि पहली बार लास्ट चेकबॉक्स है वो चेक है और दूसरे दो भी चेक है तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी। इस केस में वैल्यू सिक्स हो जाएगी तो ये भी लॉजिक काम नहीं करेगा हमारा। तो हम क्या करें, यहाँ पे यस, अच्छा ये जो हमें आर्ग्यूमेंट है ये तो बुलियन है, उसकी रिटर्न वैल्यू चाहिए। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे, स्टाइल बिटवाइज और यहाँ पे भी स्टाइल बिट
डिवाइड ओके, ये पूरी जो एक्सप्रेशन है हमारी फ्लैग नॉट अलाउड हियर, कौन सा फ्लैग पर स्टाइल इक्वल टू स्टाइल और दिस ये कौन सा भाई फ्लैग, यहाँ पे फ्लैग की एरर दे रहा है ये। अच्छा अब यहाँ पे एरर देगा, फ्लैग इज नॉट अलाउड हियर। ठीक है, ये अभी काम कर रहा है क्योंकि ये जो ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो कौन सा है, बिटवाइज और। ओके, बिटवाइज और शायद आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा, सी लैंग्वेज में वो क्या काम करता है उसका एक काम का छोटा सा एक नमूना आपको बताता हूँ कि सपोज़ कि ये आपको पता नहीं है ठीक है कि वो क्या काम करता है। तो सपोज़ आपके पास दो वेरिएबल है या फिर एक वेरिएबल इंटीजर आंसर इक्वल टू 5 और 3, ऐसा मैं करता हूँ 5 और 3। तो इसका रिजल्ट क्या आता है वो आपको दिखाता हूँ। टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट रिजल्ट इक्वल टू आंसर, ठीक है, 5 और 3 का बिटवाइज और ऑपरेशन, इसे बिटवाइज और ऑपरेशन कहते हैं। और ये बिटवाइज और है, ये बिटवाइज एंड है, कौन सा ये वाला। देखो अभी ये कुछ स्टाइल की असर नहीं होगी, केवल ये टेक्स्ट व्यू में आंसर डिस्प्ले होगा कहीं पे भी क्लिक करने से। क्या आया आंसर, 7 आया, वो 7 5 और 3 का बिटवाइज और ऑपरेशन करने से 7 आंसर आया क्योंकि 5 की बाइनरी वैल्यू जो है 101 है और
3 की बाइनरी वैल्यू 011 है। अब दोनों का लॉजिकल और ऑपरेशन होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा। अब अपने जो यहाँ पे सपोज टाइल को हमने इनिशियली ज़ीरो किया है और फिर ये यहाँ पे स्टाइल क्या हो रही है, नॉर्मल 0 और 0, तो 0 और 0 का रिजल्ट तो 0 ही आने वाला है। देखिए जीरो का रिजल्ट 0, 0 और 1 का वन। अब सपोज़ कि पहला चेकबॉक्स है वो उसने चेक किया है तो स्टाइल की वैल्यू हो जाएगी 1। अब दूसरा चेकबॉक्स चेक करता है तो उसकी वैल्यू क्या है, 2 है। तो 1 और 2 का और ऑपरेशन क्या होता है ये देखिए, 1 और 2 का और ऑपरेशन, वन फॉर बोल्ट एंड 2 फॉर इटलिक, दोनों को क्लिक किया है तो दोनों के और ऑपरेशंस होंगे। यहाँ पे स्टाइल में 1 आ गया है सपोज, ओके, और यहाँ पे उसमें और होके क्या आएगा, 2 आएगा, तो रिजल्ट क्या हो गया, 3 मतलब बोल्ट इटैलिक दोनों हो गए, ओके। अब सपोज कि ये दोनों सिलेक्ट किया हुआ है तो करंट स्टाइल क्या हो जाएगी, 3 जो अभी हमने देखा। अब ये भी सिलेक्ट करता है तो उसकी वैल्यू भी क्या है, 3, 3 और 3 का और ऑपरेशन होगा, 3 और 3 का और ऑपरेशन, तो 3 और 3 बाइनरी वैल्यू सेम है तो हर जगह पे जहाँ पे 1 है वहीं पे 1 आएगा, तो रिज़ल्ट भी क्या होगा, 3 ही होगा, 3 और 3 का बाइनरी बिटवाइज और ऑपरेशन 3 ही होगा, इसलिए इफ़ेक्ट कायम रहती है, ओके। तो ये मैंने आपको इस एग्ज़ाम्पल के द्वारा बिटवाइज का भी यूसेज इसमें समझाया, ओके। ये हम जो पहला वाला एग्जांपल था यहाँ पे भी कर सकते थे हम, यहाँ पे हमने जो इक्वल टू किया है उसकी जगह पे बिट वाइज का यूज़ करके हम कर सकते थे, ठीक है, कोई बात नहीं। ये लॉजिक भी अप्लाई कर सकते, ये समझ में आता है हमको, ये कंफर्टेबल लगता है आपको तो ये कर सकते हो, अदरवाइज़ शॉर्ट करना है थोड़ा, जैसा कि मैंने शॉर्ट किया थोड़ा, तो इस तरह का भी यूज़ कर सकते हो। ये हमने यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ किया और बिटवाइज और ऑपरेटर की जो हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा है और सोचा भी नहीं कि भाई कभी हमें ये यूज़फुल होगा, लेकिन ये यूज़फुल हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रखता हूँ, एक और एप्लीकेशन भी आपको चेकबॉक्स की बताऊँगा, फिर हमें रेडियो बटन भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, आप लोग इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस कीजिए, ओके।